नमस्कार, मैं हरनीश सिंह गुलाटी आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हारमोनियम ट्यूटोरियल्स में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लेसन नंबर 11 में अलंकार नंबर 10 देखेंगे हम। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज के साथ मैं आपके सामने आया हूं। ये एक्सरसाइज आपके हाथ को और अच्छा बनाएगी। अब धीरे धीरे ये हार्ड होते चले जाएंगे अलंकार। अब इसमें पांच पांच स्वरों के ब्लॉक आने शुरू हो गए हैं। अभी इसमें और भी अच्छे अच्छे आएंगे। इसमें कोमल स्वरों के अलंकार आएंगे, जो जैसे संगीत में थाट होते हैं, थाटों में अलंकार आएंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा बजाने का और आपका हाथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप इस अलंकार को देखिए। सा रे गा रे सा, रे गा मा गा रे, गा मा पा मा गा, मा पा धा पा मा, पा दा नी धा पा, धा नी सा नी धा, नी सा रे सा नी, सा रे गा रे सा। इसमें मैंने फिर इसको ऊपर तक ही पूरे ब्लॉक को सा तक ऊपर तक पूरा बनाया। देखिए ये ऊपर के स्वर हैं, बिंदी लग रही है ऊपर, इनके तार सप्तक के स्वर हैं ये। आप मेरे पिछले लेसन देखेंगे आप सब समझेंगे। फिंगरिंग चार्ट भी मैंने इस पे दिया, इसको भी समझेंगे। इसकी असेंडिंग देखिए, ऊपर से आएंगे सा नी धा नी सा, नी धा पा धा नी, धा पा मा पा धा, पा मा गा मा पा, मा गा रे गा मा, गा रे सा रे गा, रे सा नी सा रे, सा नी धा नी सा। ये नीचे के स्वर हैं, देखिए मंदर सप्तक के नीचे बिंदी लग रही है, तब जाके ये कंप्लीट होगा नीचे बिंदी में। अब आप इस अलंकार को अच्छी तरीके से समझ लें, कॉपी में नोट कर लें और सारे अलंकार नोट करते चलें। आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियोस भी भेज रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं फोन करके, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप इसको जब प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका हाथ में अपने आप ही आप देखने लगेंगे कि हमारे हाथ में कुछ अलग ही बात आनी शुरू हो गई है। ये अलंकार हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है। सारे गामा पादा नीचा सात सुरों में ही संगीत सारा बसा हुआ है। तो इनकी तैयारी हम करेंगे तो यही आगे चल के फिल्मी सॉन्ग्स के अंदर, भजनों के अंदर, जब हम म्यूजिक किसी के गायक के साथ बजाते हैं, हम वैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इनका मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रयोग हो रहा है, किस किस सॉन्ग में प्रयोग हो रहा है, कहां कहां कैसे हो रहा है, आप देखिएगा। फिलहाल आप इनकी प्रैक्टिस करें, अब मैं आपको बताऊंगा ये हारमोनियम पर कैसे बजेगा। आइए, अभी जो अलंकार हमने लिखकर समझा, अब हम उसे बजाकर देखेंगे। अलंकार नंबर 10 बहुत बढ़िया अलंकार है। यह आपको गाने में भी, आपके गले में मदद करेगा। आप इसको गाइए भी साथ में और बजाइए भी साथ में और समझिएगा कैसे बजेगा। ये फिंगरिंग चार्ट मैंने ऊपर दे रखा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसको लर्न करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। सारे गाने सा, हमने सा से बजाया, अब हम रे से बजाएंगे। रे गा मा गा रे, गा मा पा मा गा, मा पा धा पा मा, पा दा नी धा पा, धा नी सा नी धा, नी सा रे सा नी, सा रे गा रे सा, सा नी धा नी सा, नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा, पा मा गा मा पा, मा गा रे गा मा, गा रे सा रे गा, रे सा नी सा रे, सा नी धा नी सा। ये हो गया हमारी आरोह और अवरोह, मैंने आपको बजा के दिखाई, ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, आप इसके ऐसे ही अभ्यास करते रहें। तो इनका मैं आपको प्रयोग भी आगे म्यूजिक में बताऊंगा। हर अलंकार का अपना एक महत्व है, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूं पीछे भी। आप इनकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, इनको आप में दुगुन चौगुन में आपको रिदम के साथ भी तैयार करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि आप इनको तैयार कर लें, याद कर लें, तभी आप इनको बजा पाएंगे, नहीं तो ये आपसे नहीं बजने के। आप हर अलंकार को, पिछले लेसन को, अगलों को सब जो है रोज 10-20 बार 50 बार प्रैक्टिस करें सारों की, और इसी तरह मेहनत करते रहे। बहुत प्यार मिल रहा है आपका, और बहुत लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, औरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग जो है इन लेसन से फायदा उठा सकें। जो भी मेरे को ईश्वर ने दिया है मैं चाहता हूं आप लोगों में बांटूं। तो आप लोग आनंद लें, प्रैक्टिस करें, आपको ढेर सारा प्यार, नमस्कार।